हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में बताएंगे धनी वन फ्रीडम कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र करने का बेस्ट ट्रिक के बारे में। इससे पहले धनी से बैंक में ट्रांसफ़र करने का बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन सब ट्रिक अभी काम नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं आप लोगों का पैसा फंस जाए, हम चाहते हैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकूँ, इसलिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। पहली बात, आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। वीडियो पहले से लास्ट तक देखिएगा और ठीक से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में लीगल तरीके से धनी वन फ्रीडम कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी इंस्टेंट, और जितना ट्रांसफ़र करना चाहे उतना ट्रांसफ़र करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये ट्रिक उम्मीद करते कभी बंद भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लीजिए। पहले आपको एक पेटीएम बिजनेस मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना होगा। पेटीएम बिजनेस मर्चेंट कैसे बनाते हैं, इसका पहले वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले इस वीडियो को देख ले, नहीं तो आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप इस वीडियो को जाकर देख ले पहले। बहुत आसान है पेटीएम बिजनेस मर्चेंट बनाना। इस वीडियो में सिर्फ ये देख लीजिए कैसे पेटीएम बिजनेस मर्चेंट बनाना है, बाकी का प्रोसेस इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। अगर आपका पेटीएम बिजनेस मर्चेंट बनाना कंप्लीट हो गया है, तो अब दिखाते हैं कैसे धनी वन फ्रीडम कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र करना है। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दो तरीका है पेटीएम बिजनेस में ट्रांसफ़र करने का। पहला तरीका बताते हैं, इसके लिए आपको पेटीएम ओपन करना होगा। आपका पेटीएम पहले ओपन करें, आपको क्या करना है, यहाँ देखिए स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अगर आपका मोबाइल एक ही है तो स्कैन एंड फ्रॉम गैलरी से क्लिक करके आपका जो पेटीएम बिजनेस अभी बना है उसका क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपका इस तरह पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट का, ठीक है। आपको कितना यहाँ भेजना है यहाँ पे वो देना है, ठीक है। नीचे देख पा रहे हैं, नीचे जाइएगा, यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। और एक बात बता दें, सबका डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता नहीं है। अगर आपका भी प्रॉब्लम है डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका भी सलूशन है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको अब दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जाना है पेटीएम बिजनेस में, पेटीएम बिजनेस ओपन करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में लेफ्ट साइड में थ्री डॉट में जाना है, थ्री लाइन पे। उसके बाद जाना है मर्चेंट सेटिंग में, मर्चेंट सेटिंग में क्लिक करें। उसके बाद देख पाए दूसरे नंबर में है पेमेंट सोर्स एंड चार्जेस, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कौन सा आपका ऑफ है वो देख लीजिएगा। अगर आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन ऑफ है तो यहाँ पे इसको ऑन कर ले, ठीक है। अगर यहाँ पे भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है वो पहले अच्छे से सुन लीजिए। स्क्रीन में देख पा रहे हैं पेटीएम हेल्पलाइन का एक नंबर है, बिजनेस हेल्पलाइन का नंबर, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल तुरंत लग जाएगा, डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। आपको बोलना है कोई मुझे पेमेंट कर रहा है तो उसको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मुझे उसको ऑन करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज किया जाएगा, वो लोग एक मेल करेगा या मैसेज करेगा, उसमें लिंक रहेगा, उस लिंक में क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखा रहे इसको कैसे पेमेंट करना है। अब जाते हैं फिर से पेटीएम में, फिर स्कैन पे में जाते हैं, इसको ऑफ कर दिए थे, फिर स्कैन पे में जाते हैं, फिर गैलरी में जाते हैं, फिर इसको क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे कम से कम अभी 100 रुपया भेजना है, 100 रुपया भी दे रहे हैं। यहाँ मेरा पहले से डेबिट कार्ड ऑन है, ठीक है, मतलब इससे पहले पेमेंट किए हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा। आपको क्या करना है, नीचे डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे वैलिडिटी डेट देना है, एक्सपायरी डेट, उसके बाद यहाँ देना है CVV नंबर, उसके बाद पे कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी CVV देते हैं,
क्योंकि मेरा कार्ड पहले से ही सेव है। उसके बाद पे में क्लिक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, इस OTP को यहाँ पे आपको देना है। मेरा OTP आ गया, हम यहाँ पे देते हैं। हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, कोई भी कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मत बोलिएगा जो हम कट कर दिए, कुछ कर दिए, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। अच्छे से पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे 100 रुपये कहाँ जाएगा। हम जाएंगे अब पेटीएम बिजनेस में। पेटीएम बिजनेस ओपन करते हैं, यहाँ देख पा रहे पेमेंट और सेटलमेंट का दो ऑप्शन है। नेटवर्क स्लो चल रहा मेरा, देखिए यहाँ पेमेंट अभी लिए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 100 रुपये अभी किए। ठीक है, 100 रुपये मुझे मिला कितना, 97 रुपये 5 पैसा। ठीक है, 2 रुपये 95 पैसा यहाँ पे वो लोग चार्ज लगेगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेटल नाउ का ऑप्शन है मेरा, आपका सेटल नाउ का ऑप्शन नहीं भी आ सकता है। ठीक है, कब आएगा सेटल नाउ का ऑप्शन, आपको 2-3 दिन आपको यूज करना होगा इस एप्लीकेशन को और पेमेंट लेना होगा, तो अपने आप सेटल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, दूसरा दिन सुबह सुबह आपका 5-6 बजे तक आपका पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिस बैंक आप लिंक करके रखे हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट पे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, अगर रात में करिएगा तो सुबह आपका बैंक में ट्रांसफ़र, कभी भी कीजिए, सुबह में आपका बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी 97 रुपये अभी 97 रुपये 5 पैसा अभी सेटल नाउ कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू सेटल, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, मेरा बैंक में साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए मेरे साथ साथ बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हो सकता है 1 मिनट टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, सेकेंड ट्रिक भी आपको, आप लोगों को बताएंगे उससे कैसे करना है, वो भी बहुत आसान है। यहाँ देखा है पेंडिंग ना, यहाँ पेंडिंग देखा है, लेकिन बैंक, मेरा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए साथ साथ हो जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखा है मिनिमम अमाउंट फॉर 10 रुपीज़ एक्सेप्ट, यहाँ देखिए अवेलेबल सेटलमेंट 0, मतलब मेरा बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। हम आपको पेटीएम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा बैलेंस एंड हिस्ट्री है, पेटीएम ओपन करते हैं। देखिए मेरा 97 रुपये 5 पैसे मेरा अभी आ गया। देखिए 3:54 टाइम देख लीजिए, सेम अभी मैसेज भी आ गया, देख लीजिए, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, देख लीजिए मैसेज भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये हैज बिन सेटल टू योर अकाउंट। अब दूसरा तरीका दिखा रहे हैं, इसके लिए आप पेटीएम ओपन करें फिर से। आपको क्या करना है, लेफ्ट में देखें 3 लाइन है, 3 लाइन पर क्लिक करें, यहाँ पे पर्सनल और बिजनेस दो ऑप्शन है, आपको जाना है बिजनेस में। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं व्यू क्यूआर कोड है, व्यू क्यूआर कोड पे क्लिक करें। क्यूआर कोड तो लेना ज़रूरी नहीं है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दे, क्यूआर कोड ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन है 3रे नंबर पर, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कितना ट्रांसफ़र करना है वो दे, मुझे फिर से अब दिखाते 110 रुपया। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दीजिए, हम फिलहाल पे लिख देते हैं। यहाँ देख पा रहे क्रिएट पेमेंट लिंक है, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है, कम से कम 10 या 15 सेकेंड। देखिए मेरा लिंक क्रिएट हो गया है, आपको देखिए कॉपी लिंक है ऑप्शन, इस कॉपी लिंक में क्लिक कर लेना है, पेमेंट लिंक कॉपी, यहाँ लिंक कॉपी हो गया। आपको अब क्या करना है, अब इसको होम पे में चले जाना है, आपको जाना है, आप कहाँ जाना है, गूगल पे। ठीक है, हम जाते हैं अपना गूगल पे, गूगल या किसी भी ब्राउज़र पे आप कर सकते हैं।
इसे ब्राउजर ओपन कर करते हम जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे जो लिंक है लिंक को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्च कर देते हैं, आप भी सर्च कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मांगेगा, कंटिन्यू करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका पेटीएम नंबर मांगेगा, आप यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर दे जिस नंबर से अभी लिंक लिए, ठीक है। उसे नीचे देखिए प्रोसीड टू पे है, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर एक नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। मेरा ओटीपी आ गया है, हम यहाँ पे ओटीपी दे रहे हैं। ओटीपी देने के बाद यहाँ देखिए वेरीफाई है, वेरीफाई पे क्लिक करें। देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट का पेज ओपन हो गया आपका। इस तरह आपका इस तरह आएगा, तो सेम प्रोसेस आएगा, ठीक है। आप जितने ज़्यादा बैंक यहाँ ऐड किए हैं यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका नहीं है ऐड किया हुआ डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करके आप डेबिट कार्ड यहाँ सेव कर सकते हैं या यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट और वैलिडिटी डेट या CVV यहाँ दे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे पहले हम दे देते हैं मेरा CVV नंबर, उसके बाद पे है, पे पे क्लिक करते हैं। आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। पहले बता रहे ठीक से पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही ये ट्राई करें। आपका मोबाइल नंबर पोटी भी आएगा धनी का, इसको वहाँ पे देना है 70-83। सबमिट है, सबमिट पे फिर से क्लिक करें। देखिए पेड सक्सेसफुली टू जहरुद्दीन खान, मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, आप ठीक से देख लीजिए। अब जाते हैं मेरा मर्चेंट में, जिस मर्चेंट में ये रिसीव हुआ है, ठीक है। जितना पैसा आप जा रहा सब मर्चेंट में जाएगा, लेकिन ठीक है सब मर्चेंट में चेक करना है, बिजनेस ऐप में, पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन में। मेरा पेटीएम बिजनेस ऐप यहाँ पे है, सेटल नाउ मेन में जाते हैं, सेटलमेंट में। यहाँ देखिए मेरा 100 कितना 110 रुपये हम किए थे, अभी मुझे मिलेगा 106 रुपया, ठीक है। यहाँ पेमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 110 रुपये हम पेमेंट अभी किए, इससे पहले हम किए थे 100 रुपया, उससे पहले 100 रुपये किए थे, तो अभी देखिए 110 रुपये अभी किए, 110 का भी पेमेंट सेटलमेंट करेंगे, देख रहे हैं, ठीक है। मुझे मिलेगा 106 रुपया 75 पैसा। सेटल नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू सेटल पे क्लिक करें। आपका सेटल नाउ का ऑप्शन नहीं भी आ सकता, फिर भी बोल रहे हैं आपका ऑटोमेटिक बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ पे आपका टाइम आएगा जो कितना बजे आपका बैंक में ट्रांसफर होगा, सेटल नाउ टाइम ट्रांसफर का वहाँ पे आपका आएगा। जिस टाइम रहेगा उस टाइम नहीं, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन टाइम दे देता है, टाइम पार नहीं हो सकता है, टाइम से पहले ही आ जाएगा। मेरा सेटलमेंट पेंडिंग दिखा रहे हैं, मतलब मेरा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं पेटीएम में, हम पेटीएम ओपन करते हैं। देखिए मेरा मैसेज आ गया, आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, मेरा मैसेज आ गया, देख लीजिए 106 रुपये 75 पैसे मैं बैंक पे आ गया, देख पा रहे 106 रुपये 75 पैसे मेरा बैंक पे आ गया। अब हम पेटीएम ओपन करते हैं, पेटीएम में आपको दिखाते हैं मेरा 106 रुपया आया कि नहीं आया। जाते हैं मेरे बैलेंस एंड हिस्ट्री में, पेटीएम में ओपन करते हैं, यहाँ पिन देते हैं, यहाँ देखिए 106 रुपया 75 पैसे आ चुका है, लाइव देख लीजिए, 106 रुपया 75 पैसे आ गया, ठीक है। आप इस तरह ही बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी ये सबसे अच्छा तरीका, इससे तरीका अच्छा नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आपका कभी बंद भी नहीं होगा, ये लीगल तरीका है, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन बनते हैं, आप भी एक शॉप ऑनर बन चुके हैं। अगर आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट बना लिए हैं, मतलब आप भी शॉप ऑनर है, आप भी एक कंपनी है, ठीक है। तो आपको कोई बंद नहीं कर सकता है, आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आपका पेमेंट आपका QR कोड में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। और एक बात, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी अभी भी चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो ट्रांसफ़र करने के लिए, मेरा जो WhatsApp नंबर है, सिर्फ WhatsApp कर सकते हैं, उसका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर WhatsApp कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।